सबको आदाब। अब हम ये ईवीएम्स और वीवीपैट के बारे में सबको जानकारी दे रहे हैं। हमारा बीएलओएस और बूथ लेवल एजेंट्स डिफरेंट पार्टी के तरफ से आए हुए हैं, सब लोग इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसा वोट डालना। वोट डालने के बाद 7 सेकंड जो है सिंबल और सीरियल नंबर कैंडिडेट का नाम भी वो वीवीपैट में बताते हैं, वो आप कंफर्म कर ले सकते हैं। इसीलिए आप उस दिन 7 दिसंबर तारीख पोलिंग है, उस दिन सब लोग सुबह आ जाके अच्छा पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने का आपको गुंजारिश करते हैं। इसलिए हम सबको थैंक्स देके आप लोग सब लोग जानते हैं 2018 तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जनरल इलेक्शन है और दिसंबर 7 तारीख को इलेक्शन है। इसके वास्ते हम लोग पूरा BLAs पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स को और BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स को VVPAT और EVM के वास्ते अवेयरनेस देने के वास्ते कल से हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। 4 दिन में पोर्टल कॉन्स्टिट्यूंसी का कंप्लीट करते हैं हम लोग। हमारा EVM एक्सपर्ट ट्रेनिंग दे रहे आज और कल भी नियर अबाउट 200 BLAs एंड BLOs अटेंड हुआ और सब लोग को मिशन कैसा काम करता और मिशन में VVPAT में अगर वोट डाले तो इसी पहले तो थोड़ा डाउट रहते, अब तो डाउट तो कुछ नहीं रहता। कह को बोले तो जो वोट डाले वो इमिडिएटली वो स्क्रीन पे दिखाते सबके, उसके वास्ते थोड़ा सारे पब्लिक को वो अवेयरनेस देने के वास्ते हम लोग कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। आज तो 2nd डे है और 2 दिन भी लगा दूँ। मेरा ARO साहब और हमारा पूरा स्टाफ इलेक्शन में बिजी है। इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी 261 असेंबली पोलिंग स्टेशन्स है, टोटल 261 पोलिंग स्टेशन को कवर करके सब लोग को ट्रेनिंग दी। कौन से प्लेसेस पे पब्लिक पूरा इस्तेमाल कर दिए, पूरा पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो VVPAT और EVM के वास्ते पूरा अवेयरनेस होने दो, फिर बाद में इलेक्शन के दिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता।